Question number 1. What will happen in the given condition shown in the figure below? Sunrise, water. A. Freezing of water. B. Condensation of water. C. Evaporation of water. Or D. Both A and B. Correct answer is option C. Evaporation of water. Hi guys, I am Neetu Nigam and welcome to my channel, My Paathshala by Neetu Nigam. आज मैं आपके लिए Silver Zone Olympiad Class 3rd से Science के Sample Paper and Syllabus लेकर आई हूँ. आगे के question देखने से पहले चलिए इसके हम Syllabus समझ लेते हैं. Almost Syllabus यही रहते हैं जो others किसी भी board से Class 3rd का जो Syllabus रहता है, चाहे वो CBSE board हो, ICSE board हो या कोई other state board, almost वही Syllabus रहते हैं. तो चलिए सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं. लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, जिससे 2 क्वेश्चंस रहते हैं और ईच मार्क्स 3 रहते हैं, टोटल मार्क्स 6. प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंतर्गत 2 चैप्टर्स आ जाते हैं, एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम, जिससे नंबर्स ऑफ क्वेश्चन 6 रहते हैं, मार्क्स 3, टोटल नंबर्स 18. मैटर, मोशन एंड ट्रांसपोर्ट, मैटर एंड मोशन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड सेफ्टी रूल्स, ये 3 चैप्टर्स हो जाते हैं, जिनसे 4 क्वेश्चंस रहते हैं, मार्क्स पर क्वेश्चन 3, टोटल मार्क्स 12. नेक्स्ट चैप्टर है एनवायरनमेंट एंड यूनिवर्स, इससे हमारा चैप्टर हो जाता है आवर एनवायरनमेंट, एयर, वाटर एंड वेदर, आवर यूनिवर्स, जिससे 5 क्वेश्चंस रहते हैं, ईच क्वेश्चन 3, टोटल मार्क्स 15. आवर बॉडी, आवर बॉडी चैप्टर से 3 क्वेश्चंस रहते हैं, टोटल मार्क्स 9 हो जाते हैं. एंड साइंस में आपका जो है साइंस सब्जेक्ट्स के अलावा लॉजिकल एंड एप्टीट्यूड से भी रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, तो लॉजिकल, रीजनिंग या एप्टीट्यूड से 5 क्वेश्चंस रहते हैं, टोटल मार्क्स 3.5, ईच मार्क्स 3.5, सो टोटल मार्क्स 17.5. एंड स्कॉलर जोन, जो कि अदर ओलंपियाड में अचीवर सेक्शन के नाम से जाने जाते हैं, इसके सिलेबस आपके जो ऊपर में अभी हमने ये सिलेबस बताए आपके चैप्टर वाइज, इसी चैप्टर से स्कॉलर जोन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 5 क्वेश्चंस. लेकिन ये क्वेश्चन डायरेक्ट टू डायरेक्ट ना क्वेश्चन होकर हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस होते हैं, अर्थात क्वेश्चंस को घुमाकर पूछा जाता है, डायरेक्ट टू डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है. ये सेक्शन से 5 क्वेश्चंस रहते हैं, टोटल मार्क्स ईच क्वेश्चन 4.5 रहते हैं, टोटल मार्क्स 12.5 के क्वेश्चंस होते हैं. टोटल नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस 30 रहते हैं एंड टोटल मार्क्स 100 मार्क्स के रहते हैं. टाइम ड्यूरेशन 40 मिनट्स का रहता है. तो चलिए आगे हम क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैन कंजर्व एनवायरनमेंट? ए. डिफॉरेस्टेशन, बी. थ्रो गैबेज इन रिवर, सी. एफ्रोस्टेशन एंड डी. पॉल्यूशन फ्रॉम फैक्ट्रीज. अर्थात इनमें से कौन सी एक्टिविटी इन्वायरमेंट को कंजर्वेशन करने के लिए रहती है? पहला डिफॉरेस्टेशन, अर्थात वनों की कटाई. बी. थ्रोइंग गैबेज इन रिवर, नदी में कचरा फेंकना. सी. एफ्रोस्टेशन, अर्थात वन रोपण. एंड डी. कारखानों में प्रदूषण. क्या हेलो. इनमें से कौन सी गतिविधि पर्यावरण के संरक्षण के लिए है? सो करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन सी, एफोरेशन, अर्थात वन रोपण. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर गिवन डायग्राम? ये एक डायग्राम दिया गया है, आर पी क्यू, ये 3 लेयर्स बने हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है? तो चलिए देख लेते हैं. स्टेटमेंट है हमारा क्यू, रिप्रेजेंट रेड रॉक एंड लाइज बिलो टॉप सॉइल. बी. आर रिप्रेजेंट टॉप सॉइल एंड इज रिच इन मिनरल्स एंड ह्यूम्स. एंड डी. रिप्रेजेंट्स सब सॉइल एंड कंटेन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ह्यूमस इन इट. एंड फोर्थ क्यू. रिप्रेजेंट बेड
rock and is hard, non-porous in the inside, inner inside. So correct answer hai option C, 2 and 4th. 2 ho gaya represent topsoil and rich in minerals and humus, and 4th represent bedrock and its hard non-processes in the inner side. चलिए इसके इमेज को एक बार वापस से देख लेते हैं. ये इसके इमेज है, रेड रॉक्स हो जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 4. इन माउंटेन रीजन टेरेस फार्मिंग इज डन टू कंट्रोल विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल फेनोमेना. ए डिकम्पोजिशन, बी सॉइल इरोशन, सी फोटोसिंथेसिस एंड डी ऑल ऑफ दिस. पर्वतीय क्षेत्रों में नियंत्रण हेतु सीढ़ी नुमा खेती की जाती है, इनमें से कौन सी ये प्राकृतिक घटना है. सो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी सॉइल इरोशन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. अ स्टूडेंट टेक्स अ बैलून एंड फिल विथ एयर, व्हाट विल ही नोटिस. एक स्टूडेंट ने एक बैलून खरीदा और उसके अंदर वह हवा भरता है, तो वो क्या नोटिस करेगा. ए ही विल नोटिस दैट द मास ऑफ बैलून रिमेन सेम. उसने नोटिस किया कि बैलून का मास सेम है, मास ऑफ बैलून सेम है. सेकेंड ही विल नोटिस दैट द मास ऑफ बैलून इज इंक्रीज, मास ऑफ बैलून इंक्रीज हो रहा है. सी ही विल नोटिस दैट द मास ऑफ बैलून इज डिक्रीज, मास ऑफ बैलून कम हो रहा है. एंड डी ही विल नोटिस दैट द मास ऑफ बैलून इज डिक्रीज बाय हाफ ऑफ द इनिशियल मास ऑफ बैलून. उसने नोटिस किया कि मास ऑफ बैलून डिक्रीज हो रहा है, इनिशियल मास ऑफ बैलून के हाफ, आधा डिक्रीज हो रहा है. सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ही विल नोटिस दैट ही मास ऑफ बैलून इज इंक्रीज. उसने नोटिस किया कि मास ऑफ बैलून जो है इंक्रीज हो रहा है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ लिक्विड. इसमें से लिक्विड की प्रॉपर्टीज कौन सी है. इट इज टेस्टलेस. 2. It exists in all three forms on earth. 3. It boils at 100 degrees centigrade. 4. It freezes at 0 degrees centigrade. And 5. It is colorless and odorless. Which of the following liquid has been the properties? इसमें से 4 liquid options दिए गए हैं. इसमें से किसके ये liquid के properties हैं. A. Acid, B. Lemon juice, C. Water या D. All of these. Correct answer हो जाता है option C, water. Water की ये सारे properties हैं. वाटर इज द टेस्टलेस. ई एग्जिस्ट थ्री फॉर्म्स ऑफ अर्थ, तीनों फॉर्म में पाया जाता है. इट बॉयल्स 100 डिग्री सेंटीग्रेड. 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको हम बॉयल कर सकते हैं. एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको हम फ्रीज कर सकते हैं. एंड कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, यह कलरलेस एंड ऑर्डरलेस होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. Produce are called autotrophs and consumes are called heterotrophs. Category and following is autotrophs and heterotrophs. किस produce करने वाले को हम autotrophs कहते हैं और consumes जो चीज़ को consume करते हैं, लेते हैं, उसे हम heterotrophs कहते हैं. ये दो categories है, इसके हिसाब से हमें बताना है कि दोनों category अलग अलग कौन से हो रहे हैं. Mango, tree, lion, cactus, pine, and man. तो करेक्ट आंसर हो रहा है ऑप्शन बी, ऑटोट्रॉप्स मीन्स मैंगो ट्री, कैक्टस, पाइन एंड हेटरोट्रॉप्स जो कंज्यूम करते हैं लायन, लॉयन और मैन, इन चीज़ों को कंज्यूम करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. द वर्ड सून बिलो हैज विच टाइप्स ऑफ पिक. ये जो इमेज वर्ड्स दिख रही है उनमें किस प्रकार की बिक या चोंच पाई जाती है. ए सीजन सेफ्ट, बी हॉर्नी, सी सॉफ्ट, डी वर्ड एंड फ्लैट. करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हॉर्नी. ये वर्ड पिकॉक है जिसकी चोंच जो है बिक हॉर्नी टाइप्स की
पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, प्लांट आर नॉट गिव अस ऑक्सीजन बट ऑल्सो एब्जॉर्ब बायोजेनियस। प्लांट न सिर्फ हमें ऑक्सीजन देता है बल्कि साथ ही ये पॉइजन्स को भी एब्जॉर्ब करता है। कौन से पॉइजन को एब्जॉर्ब करता है प्लांट? ए वाटर, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑयल या डी ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट न सिर्फ हमें ऑक्सीजन देता है बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसे पॉइजेनियस को भी पॉइजन्स को ऑब्जॉर्ब भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसे हमें पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है। मिट्टी, सम प्लांट्स ग्रो इन वार्म क्लाइमेट ऑफ द प्लांट्स एंड सेड मोस्ट ऑफ द लीव इन ऑटम। कुछ पौधे मैदानी इलाकों में गर्म जलवायु में उगते हैं और पतझड़ में उसकी अधिकांश पत्तियां झड़ जाती हैं। डोनाल्ड, टी एंड कॉफी आर एवरग्रीन प्लांट। टी और कॉफी एवरग्रीन यानी सदाबहार पौधे हैं। गोफी, बबूल एंड कीकर ग्रो नियर सी कोस्ट एंड हैव ब्रीथिंग रूट्स। बबूल और कीवर समुद्री तट के पास उगते हैं और सांस लेने वाली जड़ें होते हैं। हु इज करेक्ट, इसमें से कौन करेक्ट है? ए ओनली मिंकी, बी बोथ मिंकी एंड डोनाल्ड, सी मिंकी डोनाल्ड एंड गोफी या डी बोथ डोनाल्ड एंड गोफी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बोथ मिंकी एंड डोनाल्ड इज द करेक्ट। तो ये थे आपके साइंस क्लास 3 सिल्वर जोन ओलंपियाड के क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको ये पेपर पसंद आया है और आप हमें कमेंट में अवश्य लिखकर बताएं कि आप किस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं। प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।